वेर इज़ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में भोपाल में वेर इज हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोटरी लोकेटेड इन इंडिया भोपाल मध्य प्रदेश नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट सिकंदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडी कैप्ड इट सिचुएटेड एट सिकंदराबाद सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड कहाँ पे सिचुएटेड है सिकंदराबाद में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी डी आर आई कहाँ पर लखनऊ में सेंट्रल लिप्रेसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में है सेंट्रल लिप्रेसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे आगरा में कैसे याद रखोगे लिप्रेसी अगर किसी को हो जाएगा हाथ में सपोज तो उसका हाथ काटना पड़ जाएगा तो ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे तो कहाँ पे आगरा में फिर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर आई कानपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपका मीठा मीठा बोल करके काट लिया जाता है तो शु मीठा मीठा कहाँ पे बोला जाता है आपको कानपुर में तो शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ होगा कानपुर में और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट सिकंदराबाद तो अभी हाल में ही एक बाबा शरीर ऑफ़ बिहार को उठा करके जेल में डाला था ना साउथ इंडिया में तो याद करो उसको सिकंदराबाद जेल में ठूस दिया था मेंटली हैंडीकैप्ड गाली गलौज करने वाला फेक न्यूज़ फैलाने वाला लोग को मेंटली जो हैंडी कैप्ड है उसको कहाँ पे ठीक किया जाएगा सिकंदराबाद में याद आ गया फिर अगर गैस ट्रेजिडी हुई थी भोपाल में काफ़ी गैस स्ट्रेटिजी हुई थी तो ऑब्वियसली अगर गैस स्ट्रेटिजी ट्रेजिडी हुई थी तो उसके लिए हाई सिक्योरिटी चाहिए होगा तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी कहाँ पे होगा भोपाल में सो so वेयर इज़ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया भोपाल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड कैप्टज सिचुएटेड एट सिकंदराबाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ सेंट्रल लिपरेसी इंस्टीट्यूट आगरा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये कहाँ पे लखनऊ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का मतलब खुशबू खुशबू मतलब इत्र से इत्र कौन लगाएगा बेगम ठीक है या फिर मुगल्स तो ऑब्वियसली वो चीज़ मुगलों का शहर बेगम क्या कौन हो जाएगा लखनऊ ठीक सेंटर फॉर डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स डी एन फिंगर और डायग्नोस्टिक्स तो बाबा सर ऑफ़ बिहार को जेल में ठूसने से पहले उसका डी एन लिया जाएगा कहाँ पे हैदराबाद से पहले डी ए फिंगर प्रिंटिंग लिया बाबा सर ऑफ बिहार का और उसके बाद फिर उसको सिकंदराबाद जेल में ठूस दिया क्योंकि वो मेंटली हैंडीकैप्ड है सो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है माइक्रोबियल माइक्रोब्स का जो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे है चंडीगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी डेली डेली में जाओगे तो ऑब्वियसली सारे लोग यू की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में तो वहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ती है मतलब स्टेमिना बढ़ता है इम्यूनिटी देख करके बढ़ते हैं तो इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे पुणे क्या है वह पर मेरा एक ए, क्या बोलते हैं ना एक नॉन वन पर्सन था जो कि पुणे का था तो वो बहुत ही ख़तरनाक था तो वो वहाँ पे वायरस फैलाया तो वायर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे होगा पुणे कहाँ पे वायरस फैलाया पुणे में सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ सेंटर फॉर डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इज़ चंडीगढ़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी डेली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कैसे याद रखोगे याद रख लो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की पंजाब होगा ना तो पंजाब में चंडीगढ़ है चंडीगढ़ है तो वहाँ पर आप क्या करोगे जाकर के माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी uh, uh, तो पगड़ी जब आंधते हैं ना तो पगड़ी बांधने के टाइम में एक माइक्रोब सपोज बाल में घुस गया ठीक है जुआ की तरह घुस गया तो क्या होगा वो पंजाबी होंगे तो चंडीगढ़ सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ पे चंडीगढ़ में फिर नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है नेशनल नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में ऑब्वियसली uh, मतलब ये फूल पत्ती का शौक किसको होगा बेगम को बेगम बादशाह को तो ऑब्वियसली लखनऊ सो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ एफ एडक्वाटर्स एफ एड क्वार्टर्स कहाँ पर ये पुणे सॉरी रोम में सो एफ एड क्वार्टर मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इसका हेडक्वाटर कहाँ पे है रोम में इटली में सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी सेंट्रल एगमार्क लैबोरेटरी ये नागपुर में है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कलकत्ता में मैंने आपको याद कराया था सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक का क्या फेमस है वहाँ पे चकुली फेमस है चकुली राइस से बनता है तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में होगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में होगा पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में शिमला में जाएंगे तो ठंडा होगा तो वहाँ पे गरम-गरम चिप्स खाएंगे पोटैटो आप पोटैटो चिप्स खाएंगे तो पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है शिमला में और सेंट्रल एगमार्क एगमार्क लेबोरेटरी एग एगमार्क कैसे याद रखोगे एग मार्क एगमार्क एग मार्क लेबोरेटरी एक एगमार्क लेबोरेटरी है एग मार्क एगमार्क नागपुर मार्क लेबरेटरी पहले देख लेते हैं कि ये एग मार्क का मतलब क्या होता है वॉट इज हाँ. तो एग मार्क हाँ तो मार्क का एग्रीकल्चर और मार्क सर्टिफिकेट सो so, मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन दिस ठीक है गुड 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 मार्क समझ में आ गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये नागपुर में फिर वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन विच सिटी दुनिया का सबसे पहला कैमल हॉस्पिटल कहाँ पे है कैमल का हॉस्पिटल है भाई तो दुबई दुबई शेख लोग जो क्या करते हैं कैमल से जाएंगे इधर उधर तो दुबई में ये हॉस्पिटल है फिर कोडीन कोडीन क्या है सी ओ डी ई आई एन आई एन ई कोडीन ये सीडेटिव ड्रग है कोडीन क्या है एक सीडेटिव ड्रग है फिर काउ उचौक सी ओ सी ए सी ए काउच काउट चाउच काउट चाउच क्या है ये सी ए यू सी ए सी एच ओ यू सी लेटेस्ट चेक सी अच्छा काउट कोच अ नेचुरल रबर दैट हैज नॉट बीन वेलकनाइज ए नेचुरल रबर है जिसको वेल्कनाइज नहीं किया गया है इसको पढ़ते कैसे हैं इसको सुनते हैं जरा कैसे पढ़ते हैं इसको খচক খক চক খক 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 খউচক ক কে বল ক খক খউচক খক খউচক খক খউচক খাউচক আরে তো উড আমি বলতেন খাউচ খাউচ খক খউচক ক খউচ। मतलब उड़िया में बोलते हैं ना खाउचो मतलब खाए हो तो वही जो खाउचो रबर खाउचो रब्बर यूजिनॉल यूजिनॉल क्या है एरोमेटिक क्लोव ऑफ ऑयल है यूजिनॉल क्या है ये एरोमेटिक क्लोव ऑफ ऑयल है यूजिनॉल क्या है एरोमेटिक क्लोव ऑफ ऑयल है क्लोव ऑफ ऑयल एरोमेटिक क्लोव ऑफ ऑयल लॉन्ग का तेल यूजीनॉल एंथ्रैक्स ए टॉक्सिन यूज इन बायो वारफेयर एंथ्रैक्स एक टॉक्सिन है जिसको बायो वारफेयर में यूज किया जाता है थैलेसेमिया क्या है डिजीज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन डिफेक्टिव जीन के कारण से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं थैलेसेमिया सरोगेसी का मतलब क्या होता है वोम रेंटिंग और ट्रांसजेनिक्स का मतलब क्या होता है साइंस ऑफ ऑल्टरिंग जीनोम्स जीनोम्स को ऑल्टर कर देने वाले साइंस को बोलते हैं ट्रांसजीनिक्स फर्स्ट डायनासोरियम कहाँ पे ये हैदराबाद में और हेड क्वार्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ कहा है जिनेवा में वेयर वॉज द फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया फाउंड कोलकाता एंड स्टडी ऑफ वैटामिन सी इज रिलेटेड टू विद साइंटिस्ट लीनस कार्ल पॉलिंग हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट विच इज यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ लैंड माइंस कई बात सही है ये सही है हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट विच इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ लैंड लैंड माइंस ट्रू स्टडी ऑफ विटामिन सी इज रिलेटेड टू विद साइंटिस्ट लिनस कार्ल पॉलिंग वेयर वॉज द फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया फाउंड कोलकाता क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्लू एच ओ इज जिनेवा फर्स्ट डायनासोरियम हैदराबाद में ट्रांसजेनिक्स ए साइंस ऑफ ऑल्टरिंग जीनॉम्स सरोगेसी वोम रेंटिंग थैलासीमिया डिजीज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन एंथ्रैक्स ए टॉक्सिन यूज इन बायोवारफेयर यूजिनॉल एरोमेटिक क्लूव ऑफ ऑयल काउटचॉ रबर कोडीन सीडेटिव ड्रग वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड इन दुबई नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज़ लोकेटेड एट डेली न्यू डेली नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे आई है न्यू डेली में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक सेंट्रल अगमार्क लेबोरेटरी नागपुर एफ ए का हेडकोर्टर इटली रोम नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी डेली इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ सेंटर फॉर डी एन ए फिंगर प्रिटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ सेंट्रल रेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा नैशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकेप्टज सिचुएटेड एट सिकंदराबाद वेर इज़ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया भोपाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तो